हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलून फैक्ट में आपका स्वागत है। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा ब्लोंडर। तो ब्लोंडर हम कैसे यूज़ करते हैं, किस सर्विस में कितना मिक्सिंग रेशियो करना है इसका, और ये किस हेयर पे काम आता है, आज मैं इस टॉपिक में आपका क्लियर करूँगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो गाइस, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ब्लोंडर क्या होता है? ब्लोंडर गाइस ब्लीच होती है, ब्लीच होती है। अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप वर्क करते हो तो इसको ब्लीच नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ब्लोंडर। ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है। और जब हम ब्लीच करते हैं तो उसको ये नहीं बोलेंगे हम ब्लीच करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गाइस प्री लाइटनिंग। प्रोफेशनल लैंग्वेज हम हमेशा प्री लाइटनिंग बोलेंगे। और हम इसको ब्लीच कहाँ काम आते हैं वो आपको मैं बताता हूँ गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ हेयर होते हैं जिनमें हमें ब्लीच करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जैसे कि हम 1 से 10 तक के हमारे नेचुरल हेयर होते हैं, कुछ कलर ट्यूब होते हैं वो उतने लेवल पर नहीं जा पाते गाइस। जैसे कि क्लाइंट के बाल गाइस 3 नंबर के हैं, और उन क्लाइंट को चाहिए 7.3 कलर। तो इस कलर्स को लाने के लिए इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, 3 नंबर का बाल है, 4, 5, 6, 7, 4 लेवल लिफ्ट करना है। तो 40 वॉल्यूम भी काम नहीं आएगा गाइस इधर हमारा, क्योंकि बाल 3 नंबर का है, ज़्यादा डार्क है बाल, क्या है ज़्यादा डार्क है, 7.3 कलर आएगा ही नहीं। तो इधर हम क्या करेंगे, प्री लाइटनिंग, नेवर से ब्लीच प्री लाइटनिंग करेंगे गाइस हम। ओके, तो प्री लाइटनिंग कैसे करेंगे गाइस, हम लेंगे ब्लोंडर प्लस 20 वॉल्यूम। ब्लोंडर लेंगे प्लस 20 वॉल्यूम में हम क्या कर देंगे, पूरे हेड पर लगा देंगे, 4 सेक्शन निकाल के पूरे हेड पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये कान है, ब्लोंडर लगा देंगे हम। देखेंगे प्री लाइटनिंग जो हमने करी है वो हमारी पूरे 7 लेवल पर आ जानी चाहिए। ओके गाइस, 7 लेवल पर आ जानी चाहिए, 7 लेवल या फिर 8 लेवल चलेगा गाइस। 7 लेवल पर लाकर आपको क्या करना है, 7.3 का कलर लेना है। और डिपॉजिट के लिए हमेशा 20 वॉल्यूम यूज़ करता हूँ गाइस मैं, 20 वॉल्यूम में पूरे हेड पर लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका 7.3 की एग्जैक्ट सेट आ जाएगी। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे प्री लाइटनिंग कब करते हैं हम। जैसे कि हमने हमें चाहिए रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ये सब जो गाइस फैशन शेड है इसमें हम ब्लीच यूज करते हैं गाइस। रेड तो डायरेक्ट कलर आ जाता है, लेकिन इतना विजिबल नहीं होता जितना प्री लाइटनिंग के बाद कलर ज़्यादा विजिबल होता है। तो ये सब करने के लिए हमें 9 से 10 लेवल आराम से प्री लाइटनिंग कर लो आप, आराम से प्री लाइटनिंग कर लो। देन इस कलर को क्या करना है आपको, 20 वॉल्यूम में डिपॉजिट कर देना है। और डिपॉजिट हम क्यों करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गाइस लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे क्लाइंट का बाल 4 नंबर का है और इसको हमको ले जाना 5 नंबर, तो इसमें हम ब्लीच ब्लोंडर यूज़ करेंगे, इसमें ब्लोंडर हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 लेवल लिफ्ट करना है। 20 वॉल्यूम में प्लस 5 नंबर का ट्यूब लेके लगा दो गाइस, आ जाएगा। इधर ब्लीच हम यूज़ नहीं करेंगे। और ब्लीच के हर सर्विस में मिक्सिंग रेशियो अलग अलग होते हैं गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। और ब्लोंडर मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ये मेरे पे स्टिक्स का रखा होता है गाइस। इसको बड़े आराम से खोलना होता है गाइस, आँखों में ना जाए। ये देखिए पाउडर बेस में होता है, ये देखिए पाउडर में होता है। अब ब्लोंडर जितना 20 वॉल्यूम में गाइस आप यूज़ करेंगे ना, उतना अच्छा है, बाल उतने ज़्यादा रफ नहीं होते इस 20 वॉल्यूम में। हमेशा कोशिश करना है 20 वॉल्यूम में ही ब्लोंडर यूज़ करें। तो अगर ज़्यादा थिक होता है, जैसे हीना वाला हेयर होता है गाइस, हीना वॉश आउट करनी होती है, तो हमें 40 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम यूज़ कर जाना पड़ता है। हीना वॉश आउट करने के लिए हमें ब्लोंडर 40 या 30 वॉल्यूम में करना पड़ता है। पहले हीना वाले बालों पर अच्छे से पूरे बालों पर ब्लोंडर और वॉल्यूम अपना लगा लेते हैं, 30 या 40, स्कैल्प पर नहीं लगाते, 20 लगाते स्कैल्प पर। वॉश आउट करने के बाद जैसा डिजायर स्टेट क्लाइंट को चाहिए होता है वो डिपॉजिट कर देते हैं हम। तो मैं बता दूं गाइस, जो हम हाइलाइट्स करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं
ग्लोबल करते हैं एंड फ्री हैंड, फ्री हैंड बैलियाज पेंटिंग करते हैं। इन सबकी मिक्सिंग रेशियो बताने वाला हूँ ब्लोंडर के साथ, इन सबकी मिक्सिंग रेशियो अलग अलग हो जाती है गाइस। स्टिकिंग कैप करते हैं, मतलब उसको फ्रॉस्टिंग कैप भी बोलते हैं कितने लोग। तो इन सब की मिक्सिंग रेशियो क्या होगी गाइस? देखिए गाइस, जब हम हाइलाइट्स करते हैं ना, तो इसमें क्या रखना है हमको, 1:2 की मिक्सिंग रेशियो रखना है। अगर हमने 60 ग्राम ब्लोंडर लिया है ना, तो 120 ml या भी ग्राम मान लो हमने ऑक्सीडेंट लेना है। इसी तरह हम गाइस ग्लोबल में क्या करेंगे गाइस, 1:2 की रखेगा। और जो फ्री हैंड बैलियाज पेंटिंग होती है ना गाइस, इसमें हम रखते हैं 1:1 की या फिर 1:1.5 की। क्यों? क्योंकि जो बैलियाज पेंटिंग करते हैं ना गाइस, हेयर पे हम जैसे हेयर सेक्शन है, इस पर हम ऐसे वी बना बना के करते हैं, ऐसे वी बनेगा। तो इसमें क्या होता है गाइस, बिल्कुल माइल्ड हो जाता है तो नीचे गिरता है ब्लोंडर, पतला हो जाता है ना बिल्कुल, नीचे गिरता है, नीचे ना गिरे। और स्टिकिंग कैप की भी सेम यही है, 1:1 and 1:1.5 इतना रख सकते हो आप, ठीक है गाइस। स्टिकिंग कैप में क्या होता है, कैप पहना देते फिर उसको बाल निकालते फिर लगाते तो नीचे टपके ना, तो इसलिए इनको और 20 वॉल्यूम में बनाना है गाइस इसको, क्योंकि स्टिकिंग कैप में 20 वॉल्यूम में ही बनाना है अगर किसी जेंट्स को कर रहे हो तो। ओके गाइस, वैसे क्लाइंट को 30 में बना सकते हो आप, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोशिश करना, अगर बाल ठीक है तो 30 यूज़ करें, ठीक है, और थिन है तो 20 में ही हो जाएगा आपका काम। ओके गाइस, ब्लोंडर की मिक्सिंग रेशियो ये थे, और एक कहाँ काम आता है वो मैंने आपको बता दिया, प्री लाइटनिंग लेवल लिफ्ट करने में, अंडरकोटों को बाहर निकालने में। अब जैसे कि हमने 8.3 कलर करना है, तो पहले हम प्री लाइटनिंग करेंगे 8 लेवल तक, देन हम डिपॉजिट करेंगे 8.3 का, तब जाके 8.3 लेवल मिलेगा, ठीक है गाइस। गाइस इसलिए ज़रूरी है हमें ब्लोंडर। ये थी गाइस थ्योरी ब्लोंडर की, आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, बड़ा शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझाया है कि प्री लाइटनिंग क्यों करनी ज़रूरी होती है, ठीक है, ईयर पे अच्छे से सेट नहीं आ पाती थी इसलिए ज़रूरी होती है। गाइस जरा सी वीडियो आपको नॉलेज वाली लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।